कलर्स टीवी के पॉपुलर शो ससुराल सिमर का 2 में मेकर्स ने अलग ही ट्रैक लाकर खड़ा कर दिया है। इस फिक्शन शो की कहानी को अब मेकर्स ने सुपर नेचुरल ट्विस्ट लाकर कहानी को अलग ही मोड़ दे डाला है। जी हाँ, शो में पहले चुड़ैल की एंट्री करवा कर बड़ा ट्विस्ट लाया गया, जिसे मेकर्स ने तकरीबन 1 महीने तक शो में भरपूर दिखाया है। लेकिन अब शो की रेटिंग्स के लिए मेकर्स ने नागिन की ही तर्ज पर नाग के नए ट्विस्ट को शो से जोड़कर हर किसी को कर डाला है हैरान। जी हाँ, एकता कपूर की फेमस सीरीज नागिन से इंस्पायर्ड होकर लगता है कि मेकर्स ने नाग के ट्विस्ट को शो में प्लान किया है, जिसमें लीड हीरो यानी कि अविनाश मुखर्जी ही नाग के रोल को निभाते नजर आएंगे। शो में आने वाले इस नए ट्रैक पर अब शो के लीड हीरो अविनाश ने ही खुलकर बात जाहिर की है। जी हाँ, टाइम्स से खास बातचीत में अविनाश ने इसे काफी इंटरेस्टिंग बताया है। शो के नए ट्रैक पर अविनाश ने बताया, शो में आने वाले इस नए ट्रैक के बारे में मुझे 4 दिन पहले ही पता चला। मैं कहानी के बारे में चिंता किए बिना उस पल में रहना पसंद करता हूँ। राधिका और ज्योति मैम मुझे कुछ दिन से नागार्जुन कहकर बुला रहे थे और मुझे अब पता चला कि वो ऐसा क्यों कह रहे थे। ट्रैक के मुताबिक एक नाग की आत्मा आरव के शरीर में एंट्री करती है। मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज में कुछ बदलाव किए हैं। ये जनता और मेरे लिए रोमांचक और अच्छा है, क्योंकि हीरो नाग बन जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा। वो परिवार के लिए बुरा काम करेगा। मैं इस भूमिका का आनंद ले रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मेरा मानना है कि अगर मैं वो नहीं कर पाता जो मुझसे कहा जाता है, तो ये एक एक्टर के रूप में मेरी कमी होगी। बता दें कि शो के पहले सीजन में भी मेकर्स ने सुपरनैचुरल ट्विस्ट जोड़ा था और लीड हीरोइन दीपिका कक्कड़ मक्खी बन गई थी, जिस पर लोगों ने शो का काफी मजाक उड़ाया था और मेकर्स को ट्रोलिंग का सामना तक करना पड़ा था। ऐसे में अब जब शो में नाग वाला ट्विस्ट आ रहा है दूसरे सीजन में, तो क्या अविनाश को लोगों की ट्रोलिंग का डर सता रहा है? इस सवाल के जवाब में एक्टर ने कहा, मेरा काम लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना, इमोशनल एक्सपीरियंस देना और उनका मनोरंजन करना है। अब अगर इसे ट्रोल किया जाता है और जनता को ये पसंद नहीं आता, तो मुझे यकीन है कि मेकर्स इस पर कुछ फैसला लेंगे। अभी के लिए मुझे नाग का किरदार निभाने में मजा आ रहा है। वल अब ये तो वक्त ही बताएगा कि नागिन सीरीज की तर्ज पर मेकर्स ने ससुराल सिमर का 2 में जो नाग वाला नया ट्विस्ट जोड़ा है, उस पर जनता कैसे रिएक्ट करती है। वैसे आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, शेयर कीजिएगा अपनी ओपिनियन नीचे कॉमेंट सेक्शन में।